हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। और फ्रेंड्स, आज ये मैं इंट्रो जो वीडियो का है, ये थोड़ा सा ऑन द वे रास्ते में बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इंट्रो डालने के लिए, बनाने के लिए। और मैं आपके साथ अपनी वॉलनट डेट की केक की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से इंट्रो बना के वीडियो डाल रही हूँ। आप प्लीज़ सब लोग ज़रूर इसे देखिएगा। सब ने बहुत डिमांड करी थी रेसिपी की, तो मैं उसे एडिट करके अभी पोस्ट करूँगी। आप प्लीज़ उसे देखिएगा, और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखे हैं, आप प्लीज़ उसे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। और मेरे फ्रेंड्स, चैनल अगर आपको पसंद आता है, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, और मेरा हाथ बहुत हिल रहा है इस समय, तो मैं अब जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्वांटिटी वाइज लिख रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिएगा ये सब। अब मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर 1 कप मैंने खजूरें ली हैं, इनको मैंने बीज निकाल दिया है। और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, इतना ऐड करूँगी कि ये डूब जाए, और इनको हल्का हल्का सा नरम कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा नरम हो जाएगी। ठंडा करके हम इसको थोड़ा सा एक बैटर की तरह बना लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बस नॉर्मल रखना है इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको हम ब्लेंडर से मिक्स करेंगे, और इसमें हम 1/2 कप बटर ऐड करेंगे, और उसको भी अच्छी तरह से विस्कर से विस्क कर देंगे, और 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स हो गया है बटर, ऑयल और खजूर का मिक्सचर। अब इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर मैंने 1/2 कप ऐड करी है, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और इनको ऐड करके मिक्स करेंगे, और 2 eggs ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको भी हम अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसको फॉक से भी अच्छे से विस्कर से भी विक्स कर सकते हैं। अब यहाँ मैं वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon के करीब। अब उसको अच्छी तरह, उसको भी हम मिक्स कर देंगे। बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फ्रॉथी फ्लफ़ी हो जाएगा ये देखिए बैटर हमारा। अब हम इसको साइड में रख के ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ मैंने 1 cup के करीब मैदा लिया है, इसको छान लेंगे। अब इसमें मैं बेकिंग सोडा 1/2 teaspoon और बेकिंग पाउडर 1 teaspoon डालूंगी, और पिंच नमक भी ऐड कर दूंगी, और सबको मैं अच्छे से छान लूंगी। अब चाहे तो आप इसको 1/2 and 1/2 भी कर सकते हैं, 1/2 cup मैदा और 1/2 cup व्हीट फ्लावर, वो हेल्दी वर्जन हो जाएगा। अब मैं इसको कट एंड फोल्ड के मेथड के थ्रू इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट में मिक्स करूँगी 3 portions करके। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बैटर आपका गुठलियाँ बन जाएंगी, और ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। अब इसमें हम वॉलनट ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ मैंने बेकिंग पेपर लगा के टिन को रेडी कर लिया है। अब जो बैटर हमने बनाया था, इसको हम उसमें पोर कर देंगे, और हम अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रखे हुए हैं 10 minutes के लिए 180 degrees पे। अब हम सारा बैटर अच्छे से लेवल कर देंगे, और ऊपर से वॉलनट को भी स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, मैंने वॉलनट स्प्रिंकल कर दिए। आप कोई भी नट्स स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब इसको हम 3-4 times टैप करेंगे, ताकि एयर बबल्स निकल जाएं, और प्री हीटेड ओवन के अंदर हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने फ्रेश 3 pans में ली है, इसको हीट करेंगे इतना कि बबल आ जाए, और उसके अंदर हम शक्कर ऐड करके एक गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। क्रीम हमारी लो फैट है। ये देखिए, मेरा बैटर केक बेक हो गया है। ठंडा करके अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, और एकदम सॉफ्ट है। अब जो हमने ऊपर से आइसिंग बनाई थी क्रीम और शुगर की,
उसको हम ऊपर डाल देंगे। ये आप अपने हिसाब से गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर से मैंने नट्स लगा दिए हैं और ये केक रेडी हो गया है। और उस पर मैंने एडिबल टॉपर लगाया है फॉन्डेंट का, अमंगस का। ये देखिए ये केक मेरे बेटे को पसंद आया, बहुत पसंद आया है, उसका फेवरेट अमंगस है इसलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आप